तुम्हें यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता है? आप अपसेट लगी हो? बेइंतहा मोहब्बत। तुम्हें परेशान देखो तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझ पर इल्जाम लगा, मैं तब तुमसे नहीं लड़ी तो अब क्यों लड़ूंगी? नहीं नुमान, ये सजा मुझे किसी का दिल दुखाने से नहीं मिली, मैंने अपनी माँ का दिल। बेलगम ड्रामा अब इख्तिताम की जाना बढ़ रहा है। अब रमशा अफनान के दिल में बस चुकी है। अफनान अब रमशा को बार बार याद कर रहा है। अफनान रमशा की याद में इस कदर पागल है कि रमशा को मिलने के लिए उसके घर तक चला जाएगा, जहां शानी की हरकतें देखकर अफनान को बहुत गुस्सा आएगा। अफनान ने सोचा भी नहीं था कि रमशा के साथ ऐसा भी होगा, जबकि उधर अलीज़े अफनान पर शक करने से बाज नहीं आएगी। जब भी अफनान रमशा के छोड़कर अलीज़े को सोचने लगेगा तो अलीज़े की हर धर्मी, अलीज़े की हरकतें, अलीज़े के ताने उसके सामने आ जाएंगे और उसे इस चीज़ से रोक देंगे। अब अफनान अपने बाप को बताएगा कि रमशा किस हाल में है। तब कासिम साहब जाकर रमशा को घर वापस ले आएंगे और शानी उसे डिवोर्स दे देगा, जिसके बाद रमशा और अफनान एक हो जाएंगे। आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि रमशा और अफनान एक साथ रहें? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।